हेलो फ्रेंड्स, रीना इजी फूड चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। तो आइए आज हम बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा घर पर ही मटर पनीर की रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए मैं एक पाव पनीर ली हूँ और ये मटर के दाने हैं एक कप। मसाले के लिए मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। तो आइए हम सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे, दो चम्मच तेल ऐड कर देंगे, अब हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। देखिए हमारे प्याज में कलर आ चुकी है। अब हम लहसुन ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, अदरक, इनको भी अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का भी कच्चापन चला गया है। अब हम टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम नमक एक छोटी चम्मच ऐड कर देंगे, नमक से हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। दो तीन चम्मच पानी ऐड कर देंगे और ढककर दो तीन मिनट तक पका लेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, दो तीन चम्मच ही पानी लेना है। अब हम ढक लेते हैं दो तीन मिनट के लिए। ये हमारे दो तीन मिनट हो चुकी है, हमारे टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हमारा मसाला तैयार है। अब हम इनको ठंडी होने के लिए दो मिनट छोड़ देंगे। आइए गैस को बंद कर देंगे और दो तीन मिनट के लिए ठंडी होने को छोड़ देंगे। ये हमारे मसाला ठंडी हो चुकी है। अब हम इनको पीस लेंगे। मसाला बिल्कुल बारीक पीसना है। हमें एक कढ़ाई ले लेंगे, दो तीन चम्मच तेल ले लेंगे, एक चम्मच जीरा ले लेंगे, जीरा भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम एक चम्मच बेसन ले लेंगे, बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। बेसन भूनने के लिए हमें एक दो मिनट लगेंगे। ये हमारी बेसन भून चुकी है। अब हम कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ जाती है। आइए अब हम जो मसाला पेस्ट बना कर रखे हैं टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के, वो ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी मसाला में कितना बढ़िया कलर आ चुकी है। अभी धो कर ले लेंगे। मसाला अच्छे से भूनना है। मसाला भूनने के लिए हमें 7-8 मिनट लग जाएंगे।
अब हम सूखे मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी आधी चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार ही लेना है, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। आइए अब हम ढक कर 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में चलाते रहना है, तो मसाला हमारा जल्दी लग जाता है। आइए अब हम पानी आधी कप ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और 2-3 मिनट पका लेंगे अच्छे से ढककर। देखिए हमारा मसाला पक चुकी है। अब हम मटर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे मटर को भी मसाले में। मटर को भी 2-3 मिनट ढककर पका लेंगे। ये हमारी 2-3 मिनट हो चुकी है। हमारे मटर भी 50% पक चुके हैं। अब हम पनीर ऐड कर देंगे और पनीर को भी 2-3 मिनट ढककर पका लेंगे। तो आइए अब हम पनीर ऐड करते हैं। पनीर को भी अच्छे से मसाला में मिला लेंगे। चाहिए दोबारा हम ढककर मटर और पनीर को पका लेंगे और 2-3 मिनट। देखिए हमारे मटर पनीर अच्छे से पक चुके हैं और सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गरम मसाला आधी चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हरी धनिया बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार है बनकर। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुकी है। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है और कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हमारे कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो हम 10-15 मिनट में मटर पनीर की सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, परांठे के साथ, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।